अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। तो हम बिना माइक्रोवेव के कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाएंगे और बेस भी हम घर पर ही बनाएंगे, वो भी बिना ईस्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 2 बड़े चम्मच दही। मैं दो पिज़्ज़ा का डो बना रही हूँ। आप मैंने 2 बड़े चम्मच सबसे पहले दही लिया है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, इसे ऐड करते हैं। मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, इसे भी ऐड करते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। मैं डालती हूँ आधा चम्मच शक्कर। शक्कर आपको पाउडर चाहिए, आप नॉर्मल शक्कर भी यूज कर सकते हैं। फिर इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। दही में जैसे फैन बनने लगेगा, जैसे ही हम सोडा डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। बस मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मल कप से नाप सकती हैं। 2 कप मैदा है। मेरे दो पिज़्ज़ा के 2 डो तैयार होंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक ऐड करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले से अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो बना लेना है। ये बिना ईस्ट के मैंने डो बनाया है, इसलिए इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा बस का यूज किया है। तो हमें स्मूथ डो बनाना है, ज्यादा कड़ा नहीं बनाना है। तो हमारा डो इस तरह बनकर तैयार है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसे 1 घंटे के लिए रखेंगे, ढककर रख देंगे इसे। तो हमारे डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब मैं पिज्जा बेस बनाने की तैयारी करती हूँ। जैसे कि मैं 2 पिज्ज़ा बना रही हूँ तो ये 2 पिज्ज़ा बेस इसके बनेंगे। तो मैंने ये लिया है, इसे बेलते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। हमारा पिज्जा बेस बनकर तैयार है। इसे इस तरह से कर लेंगे फॉर्क की मदद से। तो ये टमाटो सॉस है और ये सेजवान सॉस, तो मैं इसे लगाती हूँ। आप चाहे तो पिज्जा सॉस घर पर बना लीजिए या मार्केट से मंगाइए। इसे इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो मैं चीज स्लाइस रख रही हूं पहले। थोड़े से शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा
लहसुन टमाटो थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर दें। तो ढेर सारा चीज ऐड कर देते हैं। पहले से एक कढ़ाई में नमक डाल के और स्टैंड रखकर स्लो गैस पे गरम होने के लिए रख दिया था। तो चलिए ये पिज़्ज़ा ट्रे इसमें रख देते हैं। बिना माइक्रोवेव के मैं कढ़ाई में पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अब इसे 20 मिनट के लिए हमें रखना है। 20 मिनट में भी ये अच्छी तरह से पक जाएगा और तैयार हो जाएगा। तक मैं दूसरा पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। तो सेज़वान सॉस लगाते हैं। टमाटो सॉस और सेज़वान सॉस मिक्स किया हुआ मैंने। पहले चीज़ स्लाइस को उसी तरह रखती हूँ। चीज़ ज़्यादा ही डले तो पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनता है। वेजिटेबल्स डेकोरेट करूँगी। थोड़ा सा पनीर ऐड करती हूँ। हो चुके हैं, चेक करते हैं हमारा पिज्जा। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा पिज्जा। तो हमने बिना माइक्रोवेव कढ़ाई में इतना बढ़िया पिज्जा बनाया। दूसरा पिज्जा है, दूसरा पिज्जा ट्रे में लगा दिया है। कढ़ाई में बेक कर रहे हैं हम। तो हमारा पिज़्ज़ा बिना माइक्रोवेव के कढ़ाई में तैयार है हमारा पिज़्ज़ा। तो आप लोग भी जाइए जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।